All even number 4 are given, that is from A to B, where A is a minimum range of number, B is a maximum range of number. Means previous cases में भी even number का program discuss किया था, लेकिन previous case में display कहाँ तक कराना, between 1 to 100, लेकिन इस case में 1 और 100 के place पर use क्या कर रहे हैं, between A to B, where A and B is a variables, means A और B क्या variables, लेकिन इस case में relation क्या है, A is minimum limit, B is a maximum limit, means A should be less than B. In that case, possible case क्या हुआ, suppose that, first time अगर A के case में आपने initial value enter किया, maybe 10, here A is entered as 10 and B is entered as 100. In that case, इस case में possible even numbers क्या होंगे, 10, 12, 14, 16, up to 100 or including 100. Other possible case क्या हो सकता है, suppose that A enter किया again 10 but B is 199, B क्या इस case में 99, then इस case में possible expected even numbers क्या है, 10, 12, 14, 16, up to 98, means up to 98, last even number क्या हो इस range के अंदर 98. Next one, इस previous दोनों केस में A कैसा था, even number, but suppose that A is a odd number, A itself कैसा है, odd number, इस beginning range कहां से start हो रहा है, odd number 11, इस केस में even numbers क्या होंगे, इस range के केस में, A क्या है, इस केस में suppose that A is 11 and B is a 100, इस केस में expected even numbers क्या होंगे, 12, means A simply discard हो जाए, means starting कहां से करेंगे, 12 से, 12, 14, 16, up to 98 and including 100 itself. These are even numbers. इस केस में finally concentrate क्या करना, means B का value क्या, doesn't matter. But A के केस में check क्या करना है, A अगर even है, odd है. अगर A even है directly, then उस केस में directly आपको series कहाँ से start करना है, A onwards. ठीक है ना, अगर A क्या है इस केस में, अगर if A is already odd number, then start किससे कराना है, A plus 1 से. स्टार्ट कहां से करना, फ्रॉम a plus 1, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स फॉर मेंटेनिंग रेंज एंड इटरेटिव वेरिएबल्स i, void main integer a comma b comma i, a comma b comma i. नेक्स्ट वन, एंटरिंग टू नंबर्स a और b, पोर्ट्स enter two number scanf, reading inputs, inputs में read क्या कराना, value of a and b, m percent of a, m percent of b. next one, इस केस में just a के केस में suppose अगर a का value already 10 है, then directly आप loop कहां से start करा दोगे, 10 itself. What if value of A is odd number? Means इस केस में A के respect में two possible cases होंगे. A initially या तो even number होगा या फिर odd number होगा. अगर A already even number है, then directly series कहाँ से start करेंगे, A से. अगर A odd number है, then start कहाँ से कराएंगे, A plus 1. तो इस केस में जब for loop में I का value initialize करें, then I का value क्या रहेगा? सबसे पहले test करना है value of A. A even number है या फिर odd number है. इस केस में a को टेस्ट करना है, a अगर इवन नंबर है, देन क्या साइन कराएंगे, a इटसेल्फ. a का टाइप टेस्ट करने के लिए यूज क्या करेंगे, इफ a मॉड्यूलो बाय 2, a को 2 से डिवाइड करने पर अगर इसका रिमाइंडर क्या रहा, इफ रिमाइंडर इज 0, पर एक कंडीशन ट्रू है, देन इस केस में अप्लाई करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर, देन इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या रिटर्न होना चाहिए, वैल्यू ऑफ a इटसेल्फ, देन a आसान किस में जाएगा, वेरिएबल i में. अदरवाइज अगर एक कंडीशन फॉल्स है, देन इस प्लेस पर रिटर्न क्या कराओगे, a plus 1. वन थिंग क्लियर है, इस केस में से होल सेशन कंसीडर होगा एज इनिशियलाइजेशन टू द फॉर लूप. i में साइन क्या हुआ, आइदर वैल्यू a इटसेल्फ और a plus 1. फर्स्ट वन अगर a का वैल्यू 10 है, देन 10 मॉड्यूलो 2 इक्वल 0, कंडीशन टेस्टिंग रिस्पेक्ट टू कंडीशनल ऑपरेटर, 10 के 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0, 0 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू मींस 1, देन इस केस में 1 क्या है, ट्रू, ट्रू से रिटर्न क्या हुआ, a, और a का वैल्यू क्या है, समथिंग 10, देन 10 किस में साइन हो जाएगा, i में. सेकंड पॉसिबल केस क्या हो सकता है, इफ वैल्यू ऑफ a इज 11 मॉड्यूलो बाय 2, रिमाइंडर इज 1, 1 इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू,
ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है, देन इस केस में रिटर्न क्या हुआ, रिजल्ट ऑफ फॉल्स सेशन मीन्स ए प्लस वन, ए क्या है इस केस में ऑलरेडी 11, 11 प्लस 1 बिकम्स 12, तो इस केस में ए में इनिशियलाइजेशन किससे हुआ 12 से, क्योंकि सीरीज भी 11 के रिस्पेक्ट में स्टार्ट किससे करना है 12 से। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल आई, मीन्स प्रीवियस सेशन में आप 1 से जब स्टार्ट करते हैं श्योर थे 1 के केस में फर्स्ट बिगिनिंग इवन नंबर क्या था 2, इसलिए डायरेक्टली 2 इनिशियलाइज करना पॉसिबल, लेकिन इस केस में ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, इसलिए अप्लाई क्या करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स। लेकिन सीरीज को चलाना कहां तक है, जब तक आई का वैल्यू बी के या तो इक्विवेलेंट है छोटा है, सभी इवन नंबर्स में एवरी टाइम डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा 2 का, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से करा हुई आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। देन डिस्प्लेइंग प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई इट्सेल्फ, डिस्प्ले क्या कराएंगे एवरी टाइम वैल्यू ऑफ आई इट्सेल्फ, दिस इज द एक्सपेक्टेड सोर्स कोड, मीन्स इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी रेंज के इवन नंबर डिस्प्ले कराना पॉसिबल है, रेंज क्या वो डिपेंड करेगा एंटर्ड वैल्यू ऑफ ए बी, सेम है अगर किसी भी नंबर के ऑड नंबर डिस्प्ले कराना है देन ऑड नंबर्स के केस में भी सेम केस रहेगा, मीन्स ऑड नंबर के केस में ओनली चेंज क्या हुआ दैट कंडीशन, मीन्स ऑड नंबर के केस में आई का इनिशियलाइजेशन किससे करेंगे, अगर ए ऑलरेडी ऑड नंबर है देन आई में क्या सन करा लेंगे ए इटसेल्फ, तो ऑड नंबर के लिए कंडीशन क्या हुआ इफ ए मॉड्यूलो बाई 2 इक्वल इक्वल 1, ऑड नंबर के केस में रिमाइंडर क्या आएगा 2 से डिवाइड करने में 1, अगर एक कंडीशन 2 देन आसान क्या कराएंगे ए इटसेल्फ, अगर कंडीशन फॉल्स देन नंबर कैसा इवन, जैसे ए का वैल्यू अगर 10 है 10 कैसा इवन नंबर और ए के जस्ट वन नेक्स्ट कमिंग ऑड नंबर क्या है 11, तो इस केस में आसान क्या कराना ए प्लस 1, इस प्लेस पर क्या पास करेंगे ए प्लस 1, मीन्स पूरा केस सेम रहेगा ओनली कंडीशन के केस में वो 0 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1, देन इस केस में गिवन रेंज के सारे ऑड नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, मीन सेम प्रोग्राम के थ्रू 0 रिप्लेस करोगे 0 के केस में क्या डिस्प्ले होगा ऑल इवन नंबर फॉर अ गिवन रेंज, अगर 1 यूज करेंगे कंडीशन में देन ऑल ऑड नंबर फॉर अ गिवन रेंज।